होंगे हम सबके सितारे। अब हमारा आपका आशीर्वाद आजीवन हमारे सर पर है, लेकिन सर आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। सर बस इतना ही कहेंगे सर कि हम बहुत सालों से पीड़ित हैं, बस हमें स्थायी करके चले जाइए सर, बस यही दुआ करेंगे सर। तो यही बात है मेरा भी सर से नमस्कार। और जिन गरीब टोलों से आप लोग आते हैं वहां पे समस्या ये है कि बच्चा चार दिन आता है चार दिन नहीं आता, जो चार दिन पढ़ा लिखा रहता है अगले चार दिन भूल जाता है, फिर मास्टर साहब को उसको नए तरीके से समझाना पड़ता है। कभी कभी दस दिन नहीं आए, महीना दिन नहीं आए, अब एक महीने नहीं आएगा तो जो पढ़ा लिखा है भूल गया, ये जरा ध्यान दीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण आप लोगों का समूह है, इनको आपका मानदेय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ गया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भी हम लोग चाहते थे कि हो जाए। इस तरह की ट्रेनिंग आपके शायद जीवन में पहली बार हो रही होगी। यही रखा जा रहा है, खाना वाना ठीक ठाक खिलाया जा रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा खाना अच्छा है, और साफ सफाई भाई कमरों में अच्छा, नई नई चीजें छह दिन में पढ़ाई जा रही है, आज तो आपका चौथा दिन होगा तो चौथा दिन चार दिन में कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ नया जानने को मिला। वेरी गुड वेरी गुड। आप में से बहुत लोग तो क्लास लेते होंगे, करीब करीब सभी प्राइमरी की क्लास लेते होंगे, इसलिए आप देखिए हमने कहा ना, हम लोगों ने सरकार में यही कहा कि टोला सेवक की न्यूनतम अर्हता क्लास टेंथ मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक वाले बहुत कम हैं, आप में से अधिकांश तो ग्रेजुएट। तो हमने कहा कि अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, टीचरों की उस वक्त जो कमी थी आज भी कमी है उसको देखते हुए टोला सेवक तालमी वर्कर्स क्लास होंगे। तो आप लोग सब क्लास लेते होंगे बच्चों की, मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी कहूंगा कि इनको कंप्यूटर की क्लास हुई है कि नहीं, कंप्यूटर देख लीजिए समझ लीजिए कैसा होता है। और FLM किट दे दी, मैं कहूंगा प्रिंसिपल साहब को हो रहा है, बहुत सुंदर बात, हर स्कूल में FLM किट है, आप लोगों को खुद उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एक खुशी की बात है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 75% महिलाएं हैं, खाली पुरुष तो चार पांच ही कतार में बैठे हैं। ये अच्छी बात है कि मैं जब BPSC के टीचरों से बात करने जाता हूँ तो वहाँ भी यही हाल है, 90% हॉल में महिलाएं बैठी रहती है, 10% कहीं पुरुष दिखते हैं। तो क्योंकि एक तो सरकार की नीति है 50% रिजर्वेशन, और कुछ महिलाएं मेरिट पे आ जाती हैं तो 60% 70% तो यही हो गया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है और निवेदन है कि ये जो काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और गांव और स्कूल के बीच में दूरी पाटने का काम आपका है, बच्चों को पहुंचाइए। अब कोई स्कूल में, अभी DM साहब खुद ही कह रहे थे, कल हम लोगों ने करीब एक घंटा DM साहब से मिली थी और हमने बताया कि गोपालगंज में हमने उतना ही काफी फंड दिया है, उतना ही हमने सिवान में भी दिया है, और मैं समझता हूँ कई स्कूलों में अब पोचाड़ा उचाड़ा शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए अभी तो कल इनका ड्रीम प्रोजेक्ट देखे कि अगला साल जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जाम होगा तो अभी से तैयारी कर लिए, वहाँ पे क्लासेस भी चलते रहेंगे और एग्जाम भी होगा। तो सर जिस विभाग में रहे बहुत अच्छा काम किया, या सुन के तो थोड़ा अफसोस हुआ कि सर को NOC मिल गया, अगर हम वहाँ पर रहते CM साहब साथ तो शायद उनसे आग्रह करते कि सर अभी और छोड़ दिए, अभी NOC मत दीजिए, इनको रहने दिए।